हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो पे दिखाऊंगा हाउ टू मूव योर चैनल टू ए ब्रांड अकाउंट। यानी आपका जो ओल्ड यूट्यूब चैनल डायरेक्टली ईमेल अकाउंट से खोला था यूट्यूब चैनल को, उस यूट्यूब चैनल को आप लोग कैसे एक ब्रांड अकाउंट यानी ब्रांड चैनल पे ट्रांसफर कर सकते हो। दोस्तों, आप लोग इसको सुनने के बाद आप लोगों का मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहे, क्योंकि मेरा चैनल तो ऑलरेडी मोनिटाइज था, तो मेरा चैनल को ब्रांड अकाउंट पे ट्रांसफर करने के बाद मेरा चैनल डीमोनेटाइज तो नहीं हो जाएगा? दोस्तों, इसका आंसर है नो, आपका चैनल डीमोनेटाइज नहीं होगा। और आपका ओल्ड चैनल पे जितना भी वीडियोस है, जितना भी प्लेलिस्ट है, जितना भी कमेंट है, सारे के सारे सब कुछ आप लोगों को ब्रांड चैनल पे ट्रांसफर करने के बाद भी मिल जाएगा, और कुछ नया फीचर्स भी जोड़ दिया जाएगा यूट्यूब की तरफ से। और आपका यूट्यूब चैनल को ब्रांड चैनल पे ट्रांसफर करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, सब कुछ बताऊंगा आगे इस वीडियो पे। और दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं जो भी प्रोसेस को दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, उसी प्रोसेस को फॉलो करना और आपका ओल्ड चैनल को एक ब्रांड चैनल पे ट्रांसफर करना। और दोस्तों, अगर प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप नहीं देखोगे तो कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो आपका चैनल पर दिक्कत आ सकती है। और दोस्तों, आप लोगों के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन की ऑन कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए और सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो, सो लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप मोबाइल से करना चाहते हो तो आप लोग क्रोम ब्राउज़र से अपना यूट्यूब चैनल को डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लीजिए और अपना चैनल लोगो के ऊपर क्लिक करना ऊपर, और यहाँ पर स्विच अकाउंट के ऊपर क्लिक करके देखा दे तो देख लीजिए मेरा इस ईमेल आईडी से सिर्फ एक ही चैनल खुला है। अब आप लोगों को फिर से चैनल लोगो के ऊपर क्लिक करना और यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लेना है, और यहाँ से मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर नीचे सेटिंग आइकन देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना और चैनल पर क्लिक करना और एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना, और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना और आधा सेटिंग पे सबसे पहला वाला मैनेज यूट्यूब अकाउंट, इसके ऊपर सेलेक्ट करना। तो बाय डिफॉल्ट यूट्यूब ऐप रिडायरेक्ट हो जाएगा, और फिर से आप लोग जैसे भी ब्राउज़र से करें उस सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर चैनल टेक्नोवजित और क्रिएट ए न्यू चैनल के ऊपर क्लिक कर देना। और जब भी यहाँ पर क्लिक करोगे और लोडिंग हो जाएगा न्यू पेज, और यहाँ पर देख सकते हैं ब्रांड अकाउंट और टू क्रिएट ए न्यू चैनल क्रिएट ए ब्रांड अकाउंट। और यहाँ पर आपका ब्रांड अकाउंट नेम दे देना, जो आपका चैनल का नाम है उसको एंटर कर सकते हैं, जैसा कि मैं टेक्नोवजित एंटर कर दिया, और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा कि जो रिडायरेक्ट होगा, उसके बाद आप लोगों को वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर को एंटर करना होगा और वॉइस और टेक्स्ट मैसेज आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो ओटीपी वेरीफाई करने के लिए। तो टेक्स्ट मैसेज को सिलेक्ट करने के बाद ओटीपी आ गया, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करने पड़ेगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा सा रिडायरेक्ट हो जाएगा, फिर से आप लोग ब्राउजर को सिलेक्ट कर लेना और थ्रेड पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को एनेबल कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यू चैनल क्रिएट हो गया, यहाँ पर कोई भी वीडियोस नहीं है, नया चैनल। और आप फिर से आप लोग ये जो टी है इस आइकन के ऊपर क्लिक करना और स्विच अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना, और यहाँ पर देख सकते हैं नया चैनल खुल गया और नो सब्सक्राइबर है, और जो ऑलरेडी चैनल था इस वाला जो टेक्नोविजिट है इसके ऊपर सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इस वाली चैनल के ऊपर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग हो गया, और मैं चैनल लोगो राइट साइड क्लिक करता हूँ और यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लेना है। तो यूट्यूब स्टूडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर स्क्रॉल करना है, और आप लोग सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना और चैनल के ऊपर सेलेक्ट करना नीचे, और फिर से एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना और स्क्रॉल करना और नीचे के साइड चले जाना। और फिर से आप लोग यहां पर आदर्श सेटिंग के नीचे सबसे पहला ऑप्शन है मैनेज यूट्यूब अकाउंट, इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना। तो दूसरा पेज लोडिंग हो जाएगा, फिर से रिडायरेक्ट हो जाएगा, और फिर से आप लोग जिस भी ब्राउज़र से कर रहे हैं उस ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र पर यूट्यूब अकाउंट ओपन हो गया। और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो देख सकते हैं यहाँ पर चैनल नेम टेक्नोविजिट के नीचे मिडिल में जो ऑप्शन आ गया है ऐड और मैनेज चैनल, इसके ऊपर सिलेक्ट करके आप लोगों को देखा देते हो। जो देख सकते हैं ये जो न्यू चैनल मैंने खोला है टेक्नोविजिट, उसका लोगो नहीं है, और इस चैनल जो ऑलरेडी था इस पर अभी मैंने साइन इन करके रखा हूँ। यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद ये जो व्यू एडवांस सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है।
अब एडवांस सेटिंग पेज ओपन हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना तो नीचे के साइड आप लोग देख पाओगे मूव चैनल का ऑप्शन, मूव चैनल टू ए ब्रांड अकाउंट, इसके पर सिलेक्ट करना है ब्रांड अकाउंट पे ट्रांसफर करने के लिए। और यहाँ वेरिफिकेशन के लिए ईमेल का पासवर्ड डालने पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट के पर सिलेक्ट कर देना और दूसरा पेज लोडिंग हो जाएगा अकाउंट ट्रांसफर चैनल। और यहाँ पर इस तरह का देख पाओगे मूव योर यूट्यूब चैनल टू ए डिफाइंड अकाउंट, और इसके नीचे ध्यान से देखना यू कैन मूव योर चैनल इंक्लूडिंग इट्स वीडियोस लाइक एक्सेट्रा, यानी सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। और यहाँ यूट्यूब चैनल बिग मूव, यानी जिस चैनल को मैं ब्रांड अकाउंट पे ट्रांसफर करना चाहता हूँ उस चैनल को मैंने साइन इन कर लिया। और यहाँ पर सारे सब्सक्राइबर वीडियोस प्लेलिस्ट दिखा रहे, और यहाँ पर चूज एन अकाउंट टू मूव दिस चैनल टू, और यहाँ पर नीचे चैनल को सिलेक्ट करने पड़ेगा जो मैंने नया अभी अभी चैनल खोला है कुछ मिनट पहले टेक्नोअभिजीत, यहाँ पर रिप्लेस के पर सिलेक्ट कर देना है। और आप ध्यान से देखिए टेक्नोअभिजीत इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू अनदर यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर इफ यू मूव योर चैनल टू अकाउंट टेक्नोअभिजीत द करेंटली कनेक्टेड चैनल विल बी डिलीटेड, यानी ये जो नया चैनल जो सिलेक्ट किया मैंने टेक्नोअभिजीत लिखा है इस चैनल डिलीट हो जाएगा। तो फॉलोइंग दिस विल बी परमानेंट डिलीटेड, कॉमेंट सारे वीडियो सारे थम्स अप लाइक वॉच हिस्ट्री सर्च हिस्ट्री सारे कुछ डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड विश टू प्रोसीड के पर सिलेक्ट करने के बाद डिलीट चैनल के पर सिलेक्ट कर देना तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा पॉपअप। थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखे तो आर यू श्योर डैट यू वांट टू मूव एंड अपडेट योर चैनल, इस चैनल को मैंने सिलेक्ट किया और मूव यानी अपडेट हो जाने के बाद क्या दिखाएगा जो ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर कोई भी वीडियोस कोई भी सब्सक्राइबर प्लेलिस्ट नहीं दिखा रहे। और आफ्टर मूव ये जो नया चैनल को मैंने सिलेक्ट किया टेक्नोअभिजीत, यहाँ पर सारे सब्सक्राइबर वीडियोस प्लेलिस्ट आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे ध्यान से देखिए चेंज दैट विल टेक प्लेस ऑन मूविंग, यहाँ पर योर चैनल नेम एंड आइकॉन विल बी अपडेट अक्रॉस यूट्यूब, अपडेट हो जाएगा योर चैनल नेम एंड आइकॉन, आइकॉन यानी आपका चैनल लोगो अपडेट नहीं होगा यहाँ पर लिखा है। और दूसरा योर चैनल यूआरएल विल नॉट चेंज, यानी आपका चैनल यूआरएल ट्रांसफर हो जाएगा। और नेक्स्ट सम कंटेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर, पहला योर चैनल विल नो लॉन्गर हैव दिस कस्टम यूआरएल, यानी जो कस्टम यूआरएल को मैंने क्लेम किया था youtube.com/technoavijit ये ट्रांसफर नहीं होगा। और सेकंड योर कमेंट कैन नॉट बी मूव, यहाँ पर लिखा है लेकिन आपका कमेंट भी मूव हो जाएगा। और जो थर्ड है ऑटोमेटिक फिल्टर कम्युनिटी सेटिंग, इसको जरूरत नहीं है। और आप मूव चैनल के पर सिलेक्ट कर देना और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना और इस तरह का फ्लैश मैसेज शो करेगा योर यूट्यूब चैनल हैज बीन सक्सेसफुली मूव्ड। और ये सक्सेसफुली मूव होने के लिए मैक्सिमम 10 मिनट्स तक टाइम ले सकते हैं और कुछ ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं 5 मिनट्स लेटर। और कुछ मिनट बाद मैं यूट्यूब को ओपन कर लिया और यहाँ पर चैनल आइकन के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ और स्विच अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ऑल चैनल जो यहाँ पर कोई भी चैनल नहीं दिखा रहे और जो नया चैनल वहाँ पर सारे सब्सक्राइबर दिखा रहे उस चैनल को सिलेक्ट कर लेना आप लोगों को, तो यहाँ पर लोडिंग हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। और आप लोग फिर से चैनल आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर लेना है। तो यूट्यूब स्टूडियो को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हेलो न्यू स्टूडियो की तरह आ गया। और यहाँ पर देख सकते मेरा चैनल पर जितना भी वीडियोस था सब कुछ आ गया यहाँ पर जो पहले की तरह दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग लेफ्ट साइड यहाँ पर कस्टमाइजेशन के ऊपर सिलेक्ट करना और यहाँ पर देख सकते हैं न्यू की तरह दिखा रहे और ब्रांडिंग के ऊपर सिलेक्ट करना। और यहाँ पर देख लीजिए चैनल का जो लोगो यहाँ पर नहीं ट्रांसफर हुआ, चैनल लोगो को आप सिलेक्ट करके अपलोड कर देना और बैनर इमेज ट्रांसफर हो गया और जो वीडियो वाटरमार्क वो भी ट्रांसफर हो गया। और बेसिक इन्फो के ऊपर देखते हो यहाँ पर जो सारे लिखा था मैंने और कस्टम यूआरएल और वहाँ पर ऑलरेडी लिखा था चैनल का कस्टम यूआरएल मूव नहीं हो सकते तो यहाँ पर नहीं आया। यहाँ पर आदर्श जो सोशल मीडिया का लिंक भी यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। अब मैं कमेंट सेक्शन के ऊपर क्लिक करके देखा तो सारे कमेंट आया क्या नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए सारे कमेंट भी आ गया। और मैं मोनेटाइजेशन टैब के ऊपर सिलेक्ट करके देखा तो यहाँ पर देख लीजिए जो चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं हुआ। और आप देखते हो कस्टम यूआरएल के लिए क्या करना है, अब लोग चैनल आइकन के ऊपर सिलेक्ट करना, स्विच अकाउंट के ऊपर सिलेक्ट करना और ओल्ड वाली जो चैनल वहाँ पर कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है उसको सिलेक्ट कर लेना और डेस्कटॉप मोड को ओपन कर लेना। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर इस चैनल पर कोई भी सब्सक्राइबर कोई भी कमेंट कोई भी वीडियोस कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और आप लेफ्ट साइड चैनल कस्टमाइजेशन के ऊपर सिलेक्ट करना
और यहाँ पर ब्रांडिंग के ऊपर सिलेक्ट करके देखते हो, यहाँ पर देख लीजिए जो चैनल आइकन यानी चैनल लोगो मूव नहीं हुआ यहाँ से, और बेसिक इन्फो के ऊपर सिलेक्ट करना, और यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर लिखा था डिस्क्रिप्शन पर नहीं है, और जो सारे सोशल मीडिया का लिंक यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जो कस्टम यूआरएल अभी भी है। यहाँ से आप लोग कस्टम यूआरएल को डिलीट करना है ओल्ड वाली चैनल से, तो डिलीट ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करना। कैसे डिलीट करना है, यहाँ से दूसरा पेज लोडिंग हो जाएगा आपका अकाउंट का प्रोफाइल, यहाँ से डेस्कटॉप मोड को ओपन कर लेना, अबाउट सेक्शन के ऊपर जाना है नीचे, और इस कस्टम चैनल यूआरएल के ऊपर सिलेक्ट कर देना, और यहाँ पर रिमूव लिखा है रिमूव के ऊपर सिलेक्ट करना, इससे आप लोग रिमूव बटन के ऊपर सिलेक्ट करना, और लोडिंग होगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, और यहाँ से देख सकते कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर सिलेक्ट करके रिफ्रेश बटन के ऊपर सिलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए रिमूव हुआ क्या नहीं हुआ, तो यहाँ पर लोडिंग हो गया, देख सकते यहाँ पर जो कस्टम यूआरएल था यहाँ से हट चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना, फिर से आप लोग चैनल आइकन के ऊपर क्लिक करना, स्विच अकाउंट के ऊपर क्लिक करके जो नया चैनल पर ट्रांसफर किया उस चैनल को सिलेक्ट करना, और यहाँ पर आप लोग फिर से कस्टमाइजेशन के ऊपर सिलेक्ट करना। होम पे आने के बाद आप लोग बेसिक इन्फो के ऊपर सिलेक्ट करना आप, और यहाँ पर देख सकते तुरंत नहीं आ सकते और तुरंत आ भी सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो मैक्सिमम 10 डेज तक टाइम लगेगा। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यूट्यूब चैनल को ब्रांड अकाउंट यानी ब्रांड चैनल पर ट्रांसफर करने के बाद क्या बेनिफिट्स मिलेगा आप लोगों को, तो नीचे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना, और सेटिंग के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चैनल परमिशन के ऊपर सिलेक्ट करना, तो इस तरह का ऑप्शन देख पाओगे कीप मैनेजिंग परमिशन इन योर ब्रांड अकाउंट। ब्रांड अकाउंट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जो ओनर और मैनेजर यानी मैनेज परमिशन के ऊपर सिलेक्ट करके आप लोग चैनल ओनरशिप दूसरा ईमेल आईडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं, और नीचे जो मूव परमिशन टू यूट्यूब स्टूडियो, ये जो नॉर्मल व्यूअर्स के लिए, मैनेजर के लिए, एडिटर के लिए, तो यहाँ नॉर्मल मूव परमिशन के ऊपर सिलेक्ट करके नॉर्मल परमिशन दे सकते हो किसी को। आई होप दोस्तों आप लोग इस वाली वीडियो बहुत अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना, और कोई भी जानकारी जानने चाहे तो नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखना मत भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।